नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, ब्लाउज पीस के बचे हुए छोटे छोटे कपड़े हैं, और आज इन्हीं का यूज करते हुए बहुत ही प्यारा मैं आइटम बनाने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पीस लिया है और उसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो लंबाई मैंने रखी है 8 इंच, चौड़ाई रखी है 5 इंच। और अब कपड़े की कटिंग कर देंगे, इसी के बराबर बाकी पीस भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कपड़े लिए हैं और तीनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। देखिए, 8 बाई 5 इंच, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों कलर अलग अलग यूज किए हैं, आप चाहो तो सिंगल कलर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं का यूज किया जाए। तो देखिए, सारे ही कपड़े की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर लूँगी शॉपिंग बैग। अब यहाँ पर आप फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, डबल लूँगी मैं। तो देखिए, यहाँ पर इसी के बराबर फिर हमें शॉपिंग बैग की कटिंग कर देनी होगी। तो तीनों पीस के लिए मैंने डबल डबल पीस कट करके रख दिए हैं। अब इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अटैच कर देंगे, देखिए इस प्रकार, शॉपिंग बैग के साथ में। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो इस प्रकार इसको फिक्स कर देंगे, मतलब सिलाई लगा कर। तो तीनों पीस पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम कोई सा भी एक पीस लेंगे, देखिए तीनों पे मैंने सिलाई लगा दी है। तीनों में से कोई सा भी एक पीस लेना है आपको, और उस पर एक लेस रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसकी भी अभी सिलाई लगानी बाकी है थोड़ी। तो तीनों के धागे मैंने अलग अलग यूज किए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अलग अलग कलर के कपड़े यूज किया है तो फिर धागा भी चेंज करना पड़ता है बार बार। तो देखिए, तीनों ही पीस मेरे सिलाई लगा कर रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद में लेनी होगी एक लेस, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक लेस ली है, और कोई सा भी तीनों में से कोई सा भी एक कपड़ा लीजिए और उसके सेंटर पर इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है सेंटर पर और इसको अटैच कर दिया है, देखिए। तो मुझे थोड़ी ये येलो के साथ में, इस लेस के अंदर ग्रीन और रेड कलर भी था तो अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो येलो के साथ इसको सेट किया जाए। और इसके बाद में एक और वाला पीस लिया है, वहाँ पर मैंने 1 इंच का निशान लगाए हैं और यहाँ पर एक जिपर अटैच करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार जिपर को अटैच कर देनी है। वापस से डबल सिलाई लगा देंगे ऊपर टॉप स्टिच। देखिए, दूसरी तरफ जो 1 इंच का कपड़ा काटा था हमने, वो भी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर अटैच मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर रनर डाल देंगे, रनर भी डाल दिया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये येलो कलर का जो हमने लेस लगाई है उसको, और ये ग्रीन कलर का जो हमने जिपर लगाए हैं उसको, दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। पर उससे पहले एक काम करना होगा आपको, तो एक कपड़ा लीजिएगा, तो ये है 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। तो इसको सीधी साइड अंदर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी होगी, देखिए साइड में सिलाई लगा देंगे और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। आप वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नीचे भी मैंने सिलाई लगा दी है, साइड में सिलाई लगा दी है, एक तरफ से खुला मुँह है और जहाँ खुला मुँह है उसे इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, सीधा मैंने कर दिया है, देखिए सीधा मैंने कर दिया है। अब छोटी मोटी जो भी कतरन है कपड़े की आपके पास, वो इसमें डाल दीजिएगा और थोड़ी सी अच्छे से दबा दबा के डालिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस टूल्स की सहायता से इसको अच्छे से दबा दूंगी। देखिए, यहाँ पर अच्छे से दबा दिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा हो गया है। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा वापस से इधर नहीं आए। तो देखिए, यहाँ सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब हमें क्या करना होगा कि ये ग्रीन वाला कपड़ा और ये जो लेस वाला फैब्रिक है उसको जोड़ेंगे, तो उसके बीच में सेंटर में ये कपड़ा रखेंगे जो हमने अभी तैयार किया है ये, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस प्रकार सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है, ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो टॉप स्टिच भी लगा दी है। नीचे की तरफ एक और कपड़ा बचा हुआ था हमारे पास रेड कलर का, तो उसको भी इस प्रकार सेंटर को सेंटर के से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा कर अटैच कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारी सिलाई लग गई है। तो
देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बनाया है, तो अभी मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या लगाया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसी के बराबर हमें एक कपड़ा लेना होगा। तो इसकी लंबाई लगभग आ रही थी 23 इंच तो इसी के बराबर हमें एक कपड़ा लिया है कॉटन का। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो, पुराना नया जो भी है। तो इसके देखिए सीधी साइड अंदर रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए चारों तरफ सिलाई लगा दी है। जहाँ हमने जिपर लगाई थी उस जिपर को खोलकर इसको सीधा कर देंगे। देखिए सीधा मैंने कर दिया है। इनके कोनों को भी अच्छे से निकाल देंगे। देखिए बराबर में एकदम सेट कर देंगे इसको नाखून लगाते हुए। अब यहाँ पर ये जहाँ जिपर लगाई थी यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा एक सेपरेट पॉकेट हो जाएगा अलग से। देखिए तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो रेड वाला कपड़ा लगाया था उसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे। देखिए और ऊपर जो हमने लेस वाला जो कपड़ा लगाया था उसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास टच बटन हो तो आप टच बटन लगा सकते हो। मेरे पास टच बटन नहीं था तो मैं यहाँ पर वेलक्रो का यूज कर रही हूँ। तो वेलक्रो लूँगी और जहाँ हमने निशान लगाया है उस निशान के ऊपर वेलक्रो रखते हुए सिलाई लगा देंगी। तो देखिए यहाँ पर भी सिलाई लग गई है हमारे। देखिए ये चिपकने लगा है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार फोल्ड कर देना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर जाना है। देखिए पहले एक बार देख लेंगे ये बराबर है या नहीं। देखिए तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसको। देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरे पर, इसके चारों ओर सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर तक ले जाएंगे क्योंकि हमने टॉप स्टिच नहीं लगाई थी उस टाइम। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। और ये है हो गया हमारे एक बहुत ही प्यारा मोबाइल हैंगर। और ये आप लहंगा या साड़ी पहनते हो तो उसमें हैंग कर सकते हो, इसीलिए ये ऊपर लटकाने के लिए बनाया था। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, चुभता भी नहीं है और ये निकलेगा भी नहीं है। ऊपर से मैंने ये कपड़े डाल रखे थे। तो देखिए देखिए ये बिल्कुल नहीं चुभेगा और अंदर चला जाएगा आसानी से और निकलेगा भी नहीं खींचे हुए तो भी। तो अभी मैं आपको मोबाइल डाल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम मोबाइल डाल देंगे और देखिए पीछे की साइड में हम छोटे मोटे जो हमारे ज़रूरी आइटम होते हैं वो डाल सकते हैं, कैश वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हमारा मोबाइल पर्स बोल सकते हो, मोबाइल पर्स बनकर तैयार हो गया है। और बचे हुए कपड़े से देखिए, बची हुई लेस और बचे हुए कपड़ों से बहुत ही प्यारा हमारा मोबाइल पर्स बनकर तैयार हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।